अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको 2 लाख लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और वो जो डिंग 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 बेल भी आती है ना रेड बटन के साथ उसे भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं कब ऑनलाइन आई हूँ। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके बारे में आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊँगी। वो पीछे ना मेरी बहन ना थोड़ी स्टोर कर रही है तो चलेगा। हम करते हैं अपना। तो हम सबसे पहले मर्क्यूरी पे आते हैं जो तो हम पहले में पता करते हैं चलो ये हमारा सोलर सिस्टम है कहाँ। तो आप सोचोगे स्पेस में है हमारा सोलर सिस्टम बट ऐसा नहीं है। हमसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी की हम उसका छोटा सा पार्ट है छोटा सा। तो चलो प्लैनेट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे क्लोज प्लैनेट और उसके खुद का कोई मून नहीं है तो और वो सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब हम आते हैं वीनस पे। तो वीनस सबसे हॉट है जैसा आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मर्क्यूरी को होना चाहिए वो तो सबसे क्लोज प्लैनेट है सन से बट ऐसा नहीं है क्योंकि सन जो है तो वीनस है ना। तो समझ लो आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है तो मैं तो बताती हूँ। ये जैसे समझ लो हमारा सन है मेरा ये वाला सन है ये मर्क्यूरी है और इसके साइड में वीनस है। तो देखो मर्क्यूरी यहाँ पर है तो आप सोचोगे मर्क्यूरी यहाँ पे और वीनस यहाँ पे तो आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि थ्री मिल सकते हैं सन को उस पहुँचने में और वीनस को थोड़ा टाइम तो कैसे पॉसिबल है। तो जो वीनस के अंदर गैस होती है ना उसमें तो सन की लाइट को अपनी तरफ खींचती रहती है हर एक एक मिनट में। तो अब हम क्या करते हैं हम थोड़ा अब हम आते हैं अर्थ पे। नहीं मैं तो वीनस नहीं है। हाँ तो वीनस तो सबसे हॉट प्लैनेट है फर्स्ट हॉट ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। तो वो जो प्लैनेट है ना वीनस है वो बिल्कुल ही हॉट है और उसको हम कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। वो तो मेरी बहन होगी है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्योंकि वो हमें मॉर्निंग में भी दिख सकता है इवनिंग में भी दिख सकता है और रात को जब आप देखेंगे नाइट में सब इवनिंग या फिर मॉर्निंग में एक ब्राइट स्टार दिखेगा आपको वो एक्चुअली आप वीनस को देख रहे हो। तो अब हम आते हैं अर्थ। तो कुछ लोग अर्थ को होली लॉक्स प्लैनेट कहते हैं क्योंकि वो होली लॉक्स प्लैनेट मतलब क्योंकि वो नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो अब हम आएंगे मार्स पे। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं उसकी सॉइल के वजह से। तो और वो सेकेंड स्मॉल प्लैनेट है क्योंकि वो अर्थ से छोटा है जैसे कि ये है हमारा मार्स ये है हमारी अर्थ समझ गए आप। तो अब हम आते हैं जुपिटर। तो जुपिटर एक बिग गैस जायंट है उसका एक रेड स्पॉट है जो बहुत ही बड़ा स्टॉर्म है बहुत 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 बड़ा स्टॉर्म है। तो अब हम आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न भी क्या जायंट है पर जुपिटर से छोटा है उसकी रिंग्स है जो बनी है डस्ट और आइस से। अब हम आते हैं वो सेवेंथ प्लैनेट है सन से और वो बहुत ठंडा है नेपच्यून से कम है पर बहुत ठंडा है। तो अब हम आते हैं और उसकी रिंग्स हैं वो मुझे नहीं पता किसकी बनी है उसकी रिंग्स तो है ये पता किसकी बनी है वो है 19 रिंग्स
तब हम आते हैं नेप्चून, द लास्ट प्लैनेट, और वो है एट प्लैनेट। तो अब हम आते हैं, तो हम करेंगे, हम उसके बारे में जानते हैं। तो वो उसके अंदर भी बहुत सारे स्टॉर्म है, डस्ट के नहीं है, आइस के बहुत सारे स्टॉर्म है, क्योंकि सन से इतना दूर जो है, जैसे कि ये है हमारा सन, गैस जाएं, बर्निंग सन, और ये है हमारा नेप्ट्यून। देखिए आप समझ नहीं पाएंगे, मैं इनको थोड़ा दूर बना, ये हमारा नेप्ट्यून और ये है हमारा सन। देखा कितना गैप है इनके अंदर, इसको बहुत ठंडा है। और अब हम आते हैं प्लूटो, बट अब मैंने प्लूटो एक प्लैनेट अब नहीं रहा 2006 में, क्योंकि वो अब ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि प्लैनेट अपने रास्ते से सारे ड्वार्फ प्लैनेट को जाता है और एस्टेरॉइड्स को अपनी ग्रेविटी की वजह से। प्लूटो सन के अराउंड चक्कर लगाता है, बट वो स्फीयर शेप में है सारी प्लैनेट्स की तरह, बट वो अपने रास्ते से आज तक किसी एस्टेरॉइड को नहीं हटाया, किसी भी चीज़ को नहीं हटा सकता वो अपने रास्ते। तो अब वो है अपना ड्वार्फ प्लैनेट। पर दोस्तों ऐसा मत सोचिए कि वही सिर्फ ड्वार्फ प्लैनेट है, फोर और ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं। मैं इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना याद है ना, चलो बाय बाय।